खबर कांगड़ा से है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच अब बड़े नेताओं का प्रदेश में आना शुरू हो गया। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांगड़ा के शाहपुर के चम्बी मैदान में त्रिवेद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची। कांगड़ा पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का सीएम जयराम ठाकुर सहित प्रदेश के मंत्रियों व विधायकों ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जुआनी हमले किए कि उन्होंने केरल में जाकर पनाह ली, ये सत्य है। राहुल गांधी ने केरल में जाकर पनाह ली, लेकिन ये भी सत्य है कि केरल में लक्षण कांग्रेस पार्टी ने ऐसे दिखाए कि गौ माता का गला काट कर बड़े गौरव के साथ अपना फोटो खिंचाकर ऑनलाइन डाल दी। मैं चाहती हूं कि त्रिदेव की ये ताकत उस खानदान के कानों तक ये संस्कार पहुंचाए कि जो गौ हत्या में गौरव करते हैं, वो इस देव भूमि पर आकर अगर वोट मांगने का दुस्साहस करेंगे तो हिमाचल की जनता उनको। खबर सिरमौर से है, जहां हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अवनीत सिंह लामा को प्रदेश का सचिव नियुक्त करने पर जिला सिरमौर पवंटा साहिब के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मिठाई बांटी गई। वहीं पवंटा के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस सचिव नियुक्त होने पर अवनीत सिंह लामा को बधाई दी और फूल की मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रदेश सचिव अवनीत लामा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा उन्हें सचिव नियुक्त करने पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव लिया गया, जिसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का अपने माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी, संजय दत्त जी, हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट श्रीमती रानी प्रतिभा जी, विक्रमादित्य जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सुक्खू जी, सीएचपी लीडर हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, डिप्टी सीएलपी लीडर हमारे हर्षवर्धन चौहान जी, एआईसीसी में सचिव हमारे सुधीर शर्मा जी, मैं सब शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया और एक पीसीसी लेवल की पीसीसी सचिव पद की पोस्ट से मुझे नवाजा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।